सदी के महानायक और बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर्स को कभी ज़िंदगी में इतना मायूस नहीं देखा, लेकिन उन्होंने जो सच अपने मुंह से बयां किया है उसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का कलेजा फट जाएगा। अमिताभ ने जो बात कही है उसे दिल पर पत्थर रखकर सुनना ही होगा। हमारे बाप दादा के दौर से अमिताभ के बंगले के बाहर भीड़ इकट्ठा होने का सिलसिला चल रहा है। पहले हर रविवार को जब भीड़ इकट्ठा होती थी तो अमिताभ घर से बाहर निकलकर भीड़ का अभिवादन किया करते थे, और ये भीड़ कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं होती थी। आज तक ऐसी भीड़ किसी भी एक्टर के घर के बाहर कभी भी इकट्ठा नहीं हुई है। अमिताभ का वो तिलस्म था कि भीड़ को रोकने के लिए पुलिस की कई कंपनियां बुलानी पड़ती थी, लेकिन कोरोना काल में ये सिलसिला बंद हो गया। अब कोरोना के बाद जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो भीड़ को देखकर अमिताभ सिसक गए हैं। अमिताभ ने इस दर्द को बयां करते हुए अपने ब्लॉग में लिखा हुआ है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोगों की संख्या में कमी आई है और उत्साह भी कम हो गया है। खुशी की चीखें अब मोबाइल के कैमरे में ट्रांसफर हो गई है। ये साफ है कि समय आगे बढ़ गया है और कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। अमिताभ ने साफ लिखा है कि उनके घर जलसा के बाहर उमड़ने वाली फैंस की भीड़ में अब कमी आती जा रही है। अब उनकी फैंस के साथ होने वाली मुलाकातें उतनी रोमांचक नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। जो मान सम्मान उन्हें पहले मिला करता था अब उसमें धीरे धीरे कमी आती जा रही है। इसके साथ ही अमिताभ ने पहली बार बताया कि जब वह अपने बंगले के बाहर फैंस से मिला करते हैं अपनी चप्पलें उतार देते हैं, यह किसी को दिया हुआ सबसे बड़ा सम्मान होता है। और अमिताभ सालों से यही सम्मान देते आ रहे हैं, लेकिन यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। अब सदी का महानायक बूढ़ा हो चला है, उसकी रीढ़ भी झुक गई है, आंखों से देखने की शक्ति भी कम हो गई है, लेकिन आज भी वो बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार है। उसी के लक्ष्य कदम पर शाहरुख, सलमान, अक्षय जैसे स्टार चलकर यहां तक पहुंचे हैं। आगे आने वाली पीढ़ियां भी उसी के बनाए रास्ते पे चलेंगी, लेकिन उसके सम्मान में जो कमी आ रही है ये अच्छी बात नहीं है। शायद लोग भूल रहे हैं कि इसी दर्द से राजेश खन्ना भी गुजरे थे, जब उनके घर के बाहर एक शख्स भी आना छोड़ दिया था, और तब वो इंतज़ार किया करते थे कि कोई एक आकर उनका हाल चाल तो पूछ ले। अमिताभ के इस दर्द पर सभी का ध्यान जरूर जाना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट्स में दीजिए, और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।